आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के गंगाधर उपखंड में बिजली विभाग द्वारा लोड शेडिंग के नाम की जा रही 8 से 10 घंटों की अघोषित बिजली कटौती से जनहा किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। वहीं आमजन व बिजली से जुड़े व्यापार व्यवसाय चौपट हो रहे हैं। विधायक कालूलाल मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा मंडल डग चौमहला उन्हेल के मंडल अध्यक्षों व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व सदस्यों ने संयुक्त होकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी गंगाधर को ज्ञापन सौंपकर किसानों को 8 घंटे सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने की मांग की है। वर्तमान में सरकार द्वारा 6 घंटे बिजली किसानों को दी जा रही, वो भी बार बार ट्रिपिंग व लो वोल्टेज के साथ, जो कुल मिलाकर 2 से 3 घंटे बिजली दी जा रही है, वो भी रात में कड़ाके की सर्दी व शीतलहर में किसान अपने खेतों में सिंचाई करने को मजबूर है। किसानों के लिए बिजली जीवन रेखा है, इसके अभाव में खेती बर्बाद हो रही है। सरकार किसानों की सरकार होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार की सारी नीतियां किसान विरोधी साबित हो रही है। ज्ञापन से पूर्व भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी के सामने धरना देकर किसानों की समस्या पर गहन विचार विमर्श कर सरकार से 8 घंटे लगातार दिन में बिजली देने की मांग की। वही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। सभा को विधायक कालूलाल मेघवाल व मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, जगदीश भावसार, करण सिंह परिहार, अरविंद अग्रवाल, अशोक गायरी आदि पदाधिकारियों ने संबोधित किया। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। बिजली लगातार कटौती की जा रही, अघोषित कटौती, जो सरकार ने वादा किया था किसानों को हम 6 घंटे लगातार दिन में बिजली देंगे, बाकी किसानों को 2 या 3 घंटे बिजली मिल रही है और किसान रात को इस कड़ाके की सर्दी में पारण करने के लिए मजबूर है। किसान का कोई टाइम निश्चित नहीं है कि किस टाइम पे जीरो लोड आ जाए। जिस प्रकार से सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे का फिटर बनाया इन्होंने और 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, और इसी को इस 6 घंटे के बीच में लगातार 3 या 4 घंटे कटौती की जाती है। अब रात को 10 बजे बाद बिजली देते हैं और किसान कड़ाके की सर्दी में जब रात को खेत में जाएगा तो किसान परेशान है। इसी को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, यह बिजली कटौती बंद करें और किसानों को बिल्कुल स्वच्छ बिजली और बिना ट्रिपिंग के 6 घंटे बिजली दे, 6 से 8 घंटे बिजली दे, ताकि किसान को 1 महीना बिजली की खास जरूरत है और इसी टाइम पे बिजली कटौती की जाए तो दिन में बिजली उपलब्ध कराए, ताकि किसान अपनी इस फसल को बचा सके। क्योंकि पिछली बार भी सोयाबीन खराब हो चुकी थी और इस बार भी अगर बिजली की यही हाल रहे तो किसान की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि बिल्कुल दिन में बिजली दे और बिना ट्रिपिंग के लगातार 6 घंटे दिन में बिजली।